बच्चों फर्दर साइन टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ठीक है अगर एक बात मैं बोलूं साइन टू एंड पाई प्लस एक्स तो इसका मतलब क्या है टू एंड पाई तो हमारे किसी काम का नहीं है टू एंड पाई अगर करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन की बात नहीं कर रहा हूं कॉस्ट एन कॉस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर एंगल में टू एंड पाई एड करोगे तो एंगल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा टू एंड पाई कहां पहुंच जाएगा टू एंड पाई फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएगा ठीक है तो मान लो कि अगर मैंने बोला कि साइन टू एन पाई या फिर मैंने बोला कि साइन एट पाई एन का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे फोर डाल दिया और हमने बोला कि साइन एट पाई प्लस थर्टी डिग्री तो एट पाई एट पाई का मतलब क्या होगा कि जो हमारा रिवॉल्विंग रे है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर टाइम्स रिवॉल्व करेगा तो अगर हमारा रिवॉल्विंग रे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में फोर टाइम्स रिवॉल्व करे तो फिर कहां पहुंचेगा इनिशियल पोजिशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पहुंच जाएगा फिर थर्टी डिग्री से रोटेट करे या फिर मैं बोलूं कि साइन माइनस एट पाई प्लस एक्स एन का वैल्यू अगर माइनस फोर डाल दें यहां पे एन का वैल्यू माइनस फोर डाल दें तो क्या हो जाएगा साइन माइनस एट पाई प्लस एक्स तो साइन माइनस एट पाई अगर कोई रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर टाइम्स रिवॉल्व करे तो फिर कहां पहुंचेगा अगेन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर तो माइनस एट पाई माइनस ये माइनस एट पाई टेन पाई ट्वेल्व पाई फिफ्टी ये फिफ्टीन नहीं फिफ्टीन पाई से फिर फर्क पड़ जाएगा फिफ्टीन क्या है हमारा पाई का और मल्टीपल है तो अगर फिफ्टीन पाई पे करेंगे तो वो निगेटिव एक्स एक्सेस पे रिवॉल्विंग रे पहुंच जाएगा फिर वहां से प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो मैं बोलता हूं कि एटीन पाई माइनस एटीन पाई 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 माइनस फाइव पाई इन सब एंगल को अगर तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ये मीनिंगलेस हो जाएगा मतलब मीनिंगलेस बोलने का मतलब कि इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा वो जो पहले था वही सेम होगा जैसे मैंने बोला कि साइन हंड्रेड पाई प्लस थर्टी डिग्री तो साइन हंड्रेड पाई प्लस थर्टी डिग्री करो या थर्टी डिग्री करो रिवॉल्विंग रे का पोजिशन तो सेम होगा हंड्रेड पाई से क्या हो जाएगा 50 टाइम्स रिवॉल्विंग रे जो है हमारा 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा

टी टू एन फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू टी एक्स वेर टी रिप्रेजेंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है टी जो हमारा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है यहां तक आगे बात समझ में अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि साइन एक्स जीरो है तो एक्स का वैल्यू बताओ मतलब किस एंगल पे साइन एक्स जीरो होगा तो हमें पता है कि साइन एक्स जो है अगर मैं टेंथ क्लास के स्टूडेंट से पूछूं कि साइन एक्स जीरो है तो एक्स का वैल्यू बताओ या साइन थीटा जीरो है तो थीटा का वैल्यू बताओ तो एक टेंथ क्लास का स्टूडेंट क्या बोलेगा जीरो डिग्री ठीक है चल जाएगा बट अब हम लोग सिर्फ जीरो नहीं बोल सकते अब हमें क्या बोलना होगा कि साइन थीटा जीरो कहां पे होता है साइन थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जीरो होता है पहली बात और दूसरी बात कहां होता है निगेटिव एक्स एक्सिस पर जीरो होता है ये ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है जैसे तुम यहां देखो साइन थीटा जीरो कहां होगा साइन थीटा एक तो जीरो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जब भी हमारा रिवॉल्विंग रे इस पोजीशन पर आएगा इस तो पोजीशन पे आएगा तो साइन पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बोल लो या बी बोल लो बी क्या हो जाएगा जीरो तो इसका मतलब कि ये एंगल कब होगा टू एन पाई पर और ये एंगल कब होगा टू एन प्लस वन पाई पर रिवॉल्विंग रे जब यहां पर पहुंचेगा तो एंगल क्या फॉर्म करेगा टूए प्लस वन पाई और यहां रिवॉल्विंग रे होगा तो एंगल क्या फॉर्म करेगा टू एन पाई तो अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा जीरो है तो थीटा का वैल्यू बताओ तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है एक तो जीरो हो सकता है अगर रिवॉल्विंग रे यहां पे हो एक बार वो कंप्लीट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम के टू पाई एंगल बना ले फिर इसका पोजिशन कहां हो जाएगा रिवॉल्विंग रे का अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सएक्स फिर साइन थीटा जीरो हो जाएगा इसका मतलब साइन टू पाई पे भी जीरो होगा फिर अगर ये ऐसे करके एक चक्कर और मार ले तो एंगल क्या हो जाएगा फोर पाई तो साइन फोर पाई पे भी पोजीशन क्या होगा रिवॉल्विंग रे का अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो साइन फोर पाई भी जीरो साइन सिक्स पाई भी जीरो एट पाई भी जीरो एंड सो ऑन अब अगर रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज रोटेट करती है ऐसे करके घूम के आई क्लॉकवाइज रोटेट करके तो एंगल क्या होगा माइनस टू पाई तो साइन ऑफ माइनस टू पाई भी जीरो साइन ऑफ माइनस फोर पाई भी जीरो माइनस सिक्स पाई भी जीरो ये तो हो गई बात इसका मतलब कि टू पाई प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस फोर पाई प्लस माइनस सिक्स पाई इन पे साइन थीटा क्या होगा जीरो होगा अब अगर रिवॉल्विंग रे इस पोजिशन पे हो मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पर हो तो फिर बी क्या हो जाएगा बी जीरो बी जीरो मीन साइन थीटा जीरो तो अगर रिवॉल्विंग रेस पोजिशन पे हो तो कैसे आ सकती है एक वो आ, एंगल पाई बनाए एंटी क्लॉक वाइज में तो साइन पाई जीरो क्लॉक वाइज में अगर वो एंगल बनाती है तो माइनस पाई होगा तो थ्री पाई तो साइन ऑफ थ्री पाई भी जीरो अगर वो एक बार क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन करती है तो टू पाई अगेन वो एक पाई से और रोटेट कर जाए तो माइनस पाई एक बार एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज में करती है तो माइनस टू पाई एक बार और वो घूम जाए मतलब यहाँ से आ गई यहाँ माइनस टू पाई एक बड़ा और घूम गई तो क्या हो गया अगेन माइनस पाई तो माइनस टू पाई माइनस पाई माइनस थ्री पाई तो साइन ऑफ माइनस थ्री पाई भी जीरो तो हम क्या बोलेंगे कि साइन थीटा जीरो कहाँ होगा एक तो जीरो पर जीरो होगा एक तो प्लस माइनस टू पाई पे जीरो होगा एक प्लस माइनस थ्री पाई पे जीरो होगा फिर प्लस माइनस फोर पाई प्लस माइनस फाइव पाई प्लस माइनस सिक्स पाई एंड ऑन तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जिसको हमने ऐसे बोला कि साइन एक्स जीरो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो होगा या तो पाई होगा प्लस माइनस पाई या तो प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस थ्री पाई तो पाई के साथ मल्टीपल क्या है इंटीजर है तो अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स जीरो तो एक्स क्या होगा तो तुम बोलोगे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पाई का कोई किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन एक्स जीरो हो जाएगा तो यहां पे हमने क्या लिखा है वेन एक्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो उसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई ठीक है वेर एन बिलोंग्स टू जेड ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म इसे हमें याद रखना है ठीक है अब मैं बोलूं कि कॉस एक्स जीरो कब होगा तो हमें पता है कॉशेक्स कहां जीरो होता है एक तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एक तो निगेटिव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वाई एक्सिस भी क्या होता है पाई बाई टू कॉर्ड मल्टीपल नेगेटिव वाई एक्सिस भी क्या होता है पाई बाई टू कॉड मल्टीपल तो अगर मैंने बोला कि कॉस एक्स जीरो है तो प्लस माइनस फाई बाई टू पे प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू पे पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे जीरो होगा ठीक है प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू पे तो ये पाई बाई टू के साथ क्या लिखा है जो इंटीजर लिखा है वो ऑड इंटीजर लिखा है ठीक है प्लस फाइव भी ऑड इंटीजर है माइनस फाइव भी ऑड इंटीजर है व्हेन एक्स इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कॉसेक जीरो है दिस इंप्लाइज डेट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू ये टू एन प्लस वन क्या हमारा ऑर्ड इंटीजर है एन का वैल्यू तुम कुछ भी डालो कोई भी इंटीजर डालो टू एन प्लस वन इज ऑलवेज ऑड तो हम क्या बोलेंगे एक्स का वैल्यू क्या होगा टूए प्लस वन इंटू पाई बाई टू वेर एन बिलोंग्स टू जेड यह भी इंपॉर्टेंट फॉर्मला है

साइन एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कहाँ जीरो होता है एन पाई पे तो फिर हमारा टेन एक्स कहां जीरो होगा एन पाई पे ठीक है अब अगर मैं बोलूं कि कॉटेक्स कहां जीरो होगा तो कॉटेक्स जीरो होगा कॉटेक्स हम लोग क्या बोलते हैं कॉटेक्स क्या होता है कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स तो जहां कॉसेक्स जीरो होगा वहां कॉटेक्स जीरो होगा कॉसेक्स जीरो कहाँ होता है पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे तो कॉटेक्स कहां जीरो होगा पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे ठीक है अब अगर मैं बोलूं कि कॉसिक एक्स जीरो कहां होगा तो बहुत बच्चे बोलेंगे जहां साइन एक्स जीरो होगा तो इसका मतलब फिर अभी तक जितना बताया इसमें से कुछ भी नहीं आता है कॉसेक्स जीरो कहां होगा कहीं नहीं होगा बिकॉज कॉसेक्स किसके इक्वल होता है वन अपॉन साइन एक्स के और जहां साइन एक्स जीरो होगा वहां कॉशेक्स तो डिफाइंड ही नहीं होगा बिकॉज कॉसिक एक्स इज वन अपॉन साइन एक्स तो कॉसेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता अब अगर मैं बोलूं कि sec x जीरो कहां होगा तो sec x भी कभी जीरो नहीं हो सकता क्यों बिकॉज sec x इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स तो जहां cos x जीरो होगा वहां sec x तो डिफाइंड ही नहीं होगा ठीक है तो कॉसेक एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता सेक एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता साइन एक्स एन पाई पे जीरो होगा कॉसेक्स पाई बाई टू के ऑर्ड मल्टीपल पे डेट इज टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे टेन एक्स कहां जीरो होगा जहां साइन एक्स जीरो साइन एक्स कहां जीरो होता है एन पाई पे कॉटेक्स जीरो कहां होगा जहां कॉसेक्स जीरो होगा कॉसेक्स कहां जीरो होता है पाई बाई टू के ऑर्ड मल्टीपल पे ठीक है तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाई साइन एस इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेर एन बिलोंग्स टू जेड कॉसेक्स नहीं होता हो सकता x कभी 0 नहीं हो सकता कॉट एक्स कहां जीरो होगा जहां कॉसेक्स जीरो होगा कॉसेक्स कहां जीरो होता है पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे ठीक है नो वी डिफाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन एंड को साइन अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बट इसका थोड़ा और मतलब इलेबोरेट करके या फिर और थोड़ा डिटेल देख लेंगे जैसे हमें पता है ना कि कॉस एक्स कहाँ होता है वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है वन अपॉन साइन एक्स के ये तो बात हमें ऑलरेडी पता है बट हमें अभी तक ये नहीं पता था कि इसमें एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है इसमें एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो नहीं सकता क्या हो नहीं, सकता नहीं हो सकता है एक्स का एक्स एन पाई के इक्वल नहीं हो सकता ठीक है बिकॉज कॉस एक्स किसके इक्वल होगा वन अपॉन साइन एक्स के अगर तुमने एक्स का वैल्यू एन पाई डाल दिया मान लो एक्स का वैल्यू तुमने टू पाई डाल दिया तो कॉसिक एक्स कॉसेक टू पाई का वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड देख लो वन अपॉन साइन टू पाई एंड साइन टू पाई जीरो तो वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉसिक एक्स जो होगा वन अपॉन साइन एक्स के इक्वल तो होगा बट उसमें एक्स एन पाई के इक्वल नहीं हो सकता है सेक एक्स जो होगा वन अपॉन कॉस के इक्वल तो होगा बट एक्स जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू डेट इज टू एन प्लस नहीं हो सकता है ठीक है फिर मैंने क्या बोला कि टेन एक्स इक्वल होता है साइन एक्स अपॉन एक्स कॉसेक एक्स के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के इक्वल होता है बट इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि उस एक्स को हटा देना है जिस पर कॉस जीरो है तो कॉस जीरो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे उस एक्स को हटा देना है अगर उसमें तुम एक्स इज इक्वल टू टून प्लस इंक्लूड करोगे तो फिर टेन एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा ठीक है तो अभी हमने क्या सीखा टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्सन कॉस एक्स ये तो ऑलरेडी हमें पता था बट अभी हमने नया क्या सीखा का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता है फिर x किसके इक्वल होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के ठीक है फिर हमें क्या करना है एक्स को एन पाई होने से रोकना है मतलब एक्स एन पाई नहीं हो सकता बिकॉज अगर एक्स का वैल्यू तुमने एन पाई ले लिया तो फिर यहां पर साइन एक्स जीरो हो जाएगा तो x डिफाइन नहीं होगा ठीक है अगेन हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस्र एक्स का वैल्यू वन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अब यहाँ पे क्या है कि कोई बच्चा बोलेगा कि ये कैसे आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो ये भी आगे बताया जाएगा बट अभी तुम इतना याद रखो कि साइनेक्स जो है कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है जैसे टेन एक्स नॉट डिफाइंड हो गया ना टेन एक्स कहाँ पे नॉट डिफाइंड हुआ जहाँ पे कॉस एक्स जीरो हो गया साइन एक्स कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है Sin x में तुम x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो एनी रियल नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है कभी भी नॉट नहीं होता है, cos x नहीं होता है। cos x में तुम x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ठीक है और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है वो हमेशा वन के इक्वल होता है वेर एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है अब हमने क्या किया कि इस इस आइडेंटिटी को हमने डिवाइड कर दिया किससे साइन स्क्वायर एक्स से इस आइडेंटिटी को किससे डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर एक्स से वेर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई जैसे ही हमने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो हमने बोल दिया कि एक्स एन पाई के इक्वल नहीं है क्यों नहीं इक्वल है बिकॉज अगर एक्स एन पाई के इक्वल होगा तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यों जीरो हो जाएगा बिकॉज साइन एक्स जीरो हो जाएगा तो जब भी हम डिवाइड करते हैं ना किसी भी क्वांटिटी से तो वो क्वांटिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता जैसे पूरे मैथमेटिक्स के लिए क्या है कि अगर तुमने एक्स से डिवाइड किया तो मैथमेटिक्स ने यह ज्यूम कर लिया कि एक्स ज़ीरो नहीं है बिकॉज अगर एक्स का वैल्यू जीरो है तब तो डिविज़न ही गलत हो जाएगा डिविज़न नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो अगर तुमने इस पूरे क्वांटिटी को साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड किया तो यहां पे एक्स का वैल्यू एन पाई नहीं हो सकता ठीक है ये भी बात आ गई समझ में बिकॉज एन पाई पर साइन स्क्वायर एक्स जीरो हो जाएगा अगर हमने तो हमें क्या मिल गया साइन स्क्स अपन साइन स्क्स प्लस एक्सल टू वन साइन स्क्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई तो साइन स्क्स अपॉन साइन स्क्स वन हो गया और वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स ठीक है तो ये फिर हमें एक आइडेंटिटी मिल गई कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी हमें पता था बट साथ में हमने एक्स्ट्रा ऐड क्या किया कि एक्स एन पाई के इक्वल नहीं हो सकता है ठीक है हमने एक्स्ट्रा ऐड किया फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस्ट स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमें बन है ये हमें ऑलरेडी पता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अब इसको हमने कॉस्ट से डिवाइड कर दिया तो जब कॉस से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया ये तो टेन बन गया ये वन हो गया ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स यहां पे जैसे ही कॉस से डिवाइड किया कॉस से डिवाइड किया कॉस से मल्टीप्लाई नहीं किया है अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई करता ना या कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करता तो फिर एक्स टू एन प्लस वन पाई बाई टू हो जाता बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जीरो से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो यहां पे हमने क्या किया कॉस्क एक्स डिवाइड किया है तो हमने बोल दिया एक्स इज नॉट इक्वल टू बिलोंग्स टू जेड ये भी फॉर्मुला हमें क्लास से पता है ऑलरेडी बट हमने एक्स्ट्रा क्या सीखा कि x जो होगा वो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होगा ठीक है अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन मतलब कि इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है टेन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है इस टाइप के हम लोग इसमें देखेंगे तो फिर हमने क्या किया एक यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है ठीक है और सेंटर ऑरिजिन पर है उसके बाद क्या किया कि ये जो रिवॉल्विंग रे ओपी है ना ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम के एक्स एंगल बनाती है ठीक है और ये जो रिवॉल्विंग रे हमारा है क्लॉक डायरेक्शन में घूम के माइनस एक्स रेडियन एंगल फॉर्म करती है ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर ये x रेडियन है ये माइनस एक्स रेडियन है तो फिर ये जो लाइन होगा ना पी क्यू लाइन वर्टिकल हो जाएगा किस पे x एक्सिस पर और P का कोऑर्डिनेट क्या होगा a, कॉमा बी अगर हमने ज्यूम किया तो फिर इस पॉइंट को हमने q बोला इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, कॉमा माइनस बी देखो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है बट वाई कॉर्डिनेट चेंज होगा इसका पी का वाई कॉर्डिनेट पॉजिटिव होगा और क्यू का वाई कॉर्डिनेट निगेटिव होगा क्यों निगेटिव होगा बिकॉज ये निगेटिव uh, और ये ऊपर पॉजिटिव एक्सिस पर है तो uh, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया ए कॉमा माइनस बी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया ए कॉमा बी ठीक है अब अगर मैं यहां से तुम्हें बोलूं कि साइन ऑफ माइनस एक्स निकालो ये एंगल है ना इस एंगल का साइन ऑफ साइन थीटा निकालो तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा

तो साइन uh, एक्स का वैल्यू क्या हो गया बी तो इस बी की जगह लिख दिया हमने साइन एक्स तो हमें क्या मिल गया साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और ये ट्रू सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसके लिए ट्रू नहीं है जब यह एक्स किसी भी क्वाड्रेंट में हो फर्स्ट में हो सेकंड में हो थर्ड में हो फोर्थ में हो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू करके देख लेना इसको ना तुम सेकंड क्वाड्रेंट में बना लो तो एक पॉजिटिव होगा एक बार क्या बोला कि पी पॉइंट का जो वाई कॉर्डनेट होगा वो साइन ऑफ एक्स होगा ठीक है तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू किसी भी एंगल के लिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा ठीक है अब अगर मैं इस एंगल इस माइनस एक्स का कोसाइन वैल्यू बोलू मतलब कॉस ऑफ माइनस एक्स बोलू तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ए बोला है ना कि पी पॉइंट कहीं भी हो इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कॉस थीटा के इक्वल होगा तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा ए के इक्वल होगा और कॉस ऑफ एक्स क्या होगा वो भी के इक्वल होगा तो यहां से मैं क्या पता चला कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू कॉस एक्स तो एक फॉर्मूला हमें क्या पता चल गया कॉस ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स तो इसका वैल्यू क्या मिल गया हमें माइनस टेन एक्स तो फिर हमें क्या पता चला टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा ठीक है देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इस टाइप का रिजल्ट है ना साइन कॉस में निकाल लो टेन में हमें खुद ही पता चल जाएगा बिकॉज टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा वन अपॉन साइन ऑफ माइनस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स तो इसे क्या लिख सकते हो 1 अपॉन माइनस sin x इज माइनस cosec x तो cosec ऑफ माइनस x इज माइनस cosec x ठीक है फिर sec ऑफ माइनस x क्या होगा 1 अपॉन cos ऑफ माइनस x एंड cos ऑफ माइनस x क्या होता है cos x तो 1 अपॉन cos x ये किसके इक्वल हो गया sec x के cot ऑफ माइनस x क्या होगा cos ऑफ माइनस x अपॉन sin ऑफ माइनस x cos ऑफ माइनस x इज cos x एंड sin ऑफ माइनस x इज माइनस sin x तो cos x अपॉन sin x इज cot x ये माइनस आ गया तो हमें अभी क्या पता है? चला कि देखो साइन टैन और कॉट साइन हो गया साइन हो गया टैन हो गया देखो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और टैन और कॉट ये क्या होगा माइनस सीटा इज इक्वल टू माइनस ये माइनस थीटा मतलब क्या होगा uh, कि साइन ऑफ माइनस सीटा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ ये टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा कॉसिक ऑफ माइनस सीटा माइनस थीटा एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा सेक और कॉस इसके अगर एंगल को निगेटिव करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस ऑफ माइनस थर्टी डिग्री बोलो या कॉस ऑफ थर्टी डिग्री बोलो एक ही बात है सेक ऑफ माइनस थर्टी डिग्री बोलो या सेक ऑफ थर्टी डिग्री बोलो एक ही बात है ठीक है उसके बाद क्या है कि जैसे तुम इस फिगर में देखो जैसे यहां पर क्या है कि इस फिगर में देखो इस फिगर में देखो एंगल एक्स चाहे कोई सा भी एंगल हो जीरो से लेकर टू पाई के बीच में कोई सा भी एंगल और हमें पता है कि टू पाई के बाद तो वैल्यू रिपीट करने लगता है टू पाई प्लस थीटा एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू पाई प्लस थीटा इज टी थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू पाई के बाद वैल्यू रिपीट होता है ठीक है माइनस टू पाई के बाद भी वैल्यू रिपीट होता है तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ जीरो से टू पाई के बीच में देखते हैं तो हमने क्या देखा कि अगर एक्स जीरो से टू पाई के बीच में होगा तो ए जो है ये स्मॉल ए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा one होगा और मिनिमम माइनस वन होगा मैक्सिमम कब होगा जब ये OP, के साथ येड करे तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ए का वन और मिनिमम वैल्यू कब होगा जब ये रे ओपी क्या करे सी के साथ कॉन्साइड करे तो ए है क्या हमारा, हमारा कॉसेक्स है तो इसका मतलब कॉसेक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 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 का मिनिमम वैल्यू क्या और एक्स क्या हो सकता है कोई भी रियल नंबर ये एक्स ये जो रिवॉल्विंग चाहे ये ऐसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते रहे कितनी बार भी घूमे ठीक है या चाहे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितनी बार टर्न ले कितनी बार भी टर्न ले हर एक एंगल के लिए तो कॉस्ट डिफाइंड होगा कॉस्ट कब डिफाइंड नहीं होगा जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए और इस कॉस के डिनोमिनेटर में तो हमेशा वन है हाइपोटेनस तो वन है एक्स कुछ भी डालो कॉस्ट डिफाइंड होगा इसका मतलब कॉस्टक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक डिफाइंड होगा ठीक है और फिर इसी सेम लाइन पर बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बी का मैक्सिमम वैल्यू वन होगा कब होगा मैक्सिमम वैल्यू वन जब रिवॉल्विंग रे ओबी के साथ कॉन्साइड कर जाए तो बी का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा बी है क्या हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन और जब ये रिवॉल्विंग रे ओडी के साथ कॉन्साइड करे तो बी का सबसे मिनिमम वैल्यू होगा तो साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस वन और फिर हमें पता है कि कोई भी एक्स हो चाहे वो दस लाख करोड़ डिग्री हो चाहे वो माइनस दस लाख करोड़ डिग्री हो साइन एक्स हमेशा सा डिफाइंड होगा बिकॉज साइन एक्स के डिनोमिनेटर में वन है ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चला यहां से हमें पता चला कि सेंस फॉर एवरी पॉइंट पी ए बी ऑन द यूनिट सर्कल ए हमारा माइनस वन से वन के बीच में है ए क्या है हमारा हमारा है कॉसेक्स है और बी भी माइनस वन से वन के बीच में बी क्या हमारा साइनेक्स है तो साइनेक्स एंड कॉसेक्स क्या होगा डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर ये सारे रियल नंबर के लिए साइन एक्स एंड कॉसेक्स डिफाइंड है ठीक है तो यही बोला जा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइनेक्स तो सबसे पहले साइन एक्स का डोमेन क्या होगा साइन एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर कोई भी एंगल हो सबके लिए साइन एक्स डिफाइंड है मैंने अभी बोला बिकॉज इसके हाइपोटेनस में वन है जीरो तो है नहीं ठीक है और रेंज क्या हो जाएगा साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा साइन एक्स मींस एफ एक्स एफ एक्स मीन्स वाई वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन मिनिमम वैल्यू क्या होगा माइनस वन तो साइन एक्स का रेंज क्या हो जाएगा साइन एक्स फंक्शन ये तो फंक्शन हो गया ना अब एक्स की जगह एंगल डालते जाओ वाई यहां से निकालते जाओ ठीक है तो साइन एक्स फंक्शन का रेंज क्या होगा साइन एक्स फंक्शन का रेंज होगा फ्रॉम माइनस वन टू वन इंक्लूडिंग माइनस वन इंक्लूडिंग वन माइनस वन और वन के बीच का ये सारा रियल नंबर ले सकता है ठीक है फिर बी हमारा क्या है माइनस वन से वन के बीच में है माइनस वन से वन के बीच में ठीक है, है तो कॉसेक्स का फॉर ऑल तो एक्स बिलोंग्स टू आर तो कॉसेक्स क्या होगा माइनस वन से वन के बीच में होगा और कॉसेक्स भी हमें पता है कि हमेशा डिफाइंड होता है तो एफ एक्स अगर हमने एक फंक्शन ले लिया कॉसेक्स फंक्शन ले लिया तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर रेंज क्या होगा माइनस वन टू वन इंक्लूडिंग माइनस वन इंक्लूडिंग वन और माइनस वन से वन के बीच में ये कोई भी रियल नंबर ले सकता है ठीक है अब यहां पे एक नोट लिखा हुआ है नोट में क्या है कि इसमें हमने ना थोड़ा सा ये नोट जो है यहां से आगे फॉरवर्ड नोट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इन नोट को पे ना थोड़ा ध्यान से देखो इसमें क्या बोल रहा है कि वैन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू जब एक्स का वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के बीच में होगा डेट इज एक्स लाइन फर्स्ट क्वारेंट एक्स अगर जीरो से पाई बाई टू के बीच में होगा तो एक्स क्या होगा फर्स्ट क्वारेंट में देन बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव तो ए भी पॉजिटिव होगा बी भी पॉजिटिव होगा विच इंप्लाई साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू अब जैसे इस डायग्राम को एक बार ना हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जैसे यही है ना हमारे पास यूनिट सर्कल ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गया ऑरिजिन इस ए को हमने वन कामा जीरो लिया है इस बी को इसको हमने बी लिया दिस इज जीरो वन इसे हमने सी बोला जीरो कॉमा माइनस वन और ये हो गया हमारा डी सॉरी क्या मैं लिख रहा हूं दिस इज माइनस वन कॉमा जीरो एंड दिस इज डी जीरो कॉमा माइनस वन ठीक है अब क्या है कि अगर x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ दिस इज x इसको हमने p बोला इसी को ए कॉमा बी बोला तो ये हमारा बी हो गया ये हमारा ए हो गया तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये हमारा एंगल जो है जीरो से जीरो पे तो हमें पता है क्या होगा साइन जीरो हो जाएगा और कॉस वन हो जाएगा यहां भी हमें पता है क्या होगा यहाँ पे साइन वन हो जाएगा और कॉस जीरो हो जाएगा बट मैं अगर एक्स का वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के बीच में बोल रहा हूं अगर एक्स हमारा जीरो से पाई बाई टू के बीच में हुआ तो ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव तो इसका मतलब ए क्या हमारा कॉस एक्स है बी क्या हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स भी पॉजिटिव कॉस एक्स भी पॉजिटिव तो अगर साइन कॉस पॉजिटिव हो गया तो बाकी सब पॉजिटिव हो गया क्यों? बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल होगा तो cosec भी का क्या होगा होगा, तो sec भी पॉजिटिव तो भी भी क्या होता है? तो तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर एक्स हमारा फर्स्ट क्वारेंट में होगा तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन cot, सारे पॉजिटिव होंगे ठीक है इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं है। से हो ग्रेटर हो गया अगर यह पाई बाई टू से ग्रेटर हुआ तो उसमें हमने बोल दिया दिस इज ए डैस कॉमा बी डैस तो अब यहां देखो यहां पे क्या होगा ए क्या, हो क्या है हमारा ए डैस क्या है ये एक्स और बी डैश क्या हमारा ये वाली हाइट तो ए डैश क्या हो जाएगा निगेटिव बी डैश क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव तो यहाँ पे ए डैश क्या हमारा कॉस एक्स e है तो कॉस एक्स e क्या हो जाएगा निगेटिव और साइन एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो साइन एक्स पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा अगर हमारा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ अगर ये एंगल हमने एक्स मान लिया और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ डेट इज ऐसे देख लो कि ये जो x होगा ये ग्रेटर देन पाई बाई टू बट लेस देन पाई तो यहां पे साइन एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और फिर कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स नेगेटिव हो जाएगा अगर साइन एक्स पॉजिटिव हुआ तो इसका रेसिप्रोकल कॉसिक x भी पॉजिटिव हो जाएगा और अगर कॉस नेगेटिव हुआ तो फिर यहां से क्या हो जाएगा देख लो कॉसिक x क्या हो जाएगा हमारा कॉसिक x भी पॉजिटिव हो जाएगा सेक x क्या हो जाएगा सेक x तो होता है ना वन अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स निगेटिव है तो वन अपॉन निगेटिव इज निगेटिव ठीक है उसके बाद टेन एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स इज ऑल्सो निगेटिव क्यों बिकॉज टेन एक्स क्या होता है साइन अपॉन कॉज साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव तो नेगेटिव और कॉटेक्स भी निगेटिव हो जाएगा कॉटेक्स क्यों नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज कॉटेक्स क्या होता है कॉस अपॉन साइन कॉस भी पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव तो कॉटेक्स भी निगेटिव तो हमने क्या देखा कि सेकेंड क्वारेंट में क्या है साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक एक्स पॉजिटिव होगा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे नेगेटिव होंगे ठीक है अब अगर ये रिवॉल्विंग रे फर्दर रिवॉल्व करके थर्ड क्वारेंट में आ जाए मतलब कि जो एक्स हमारा क्या हो पाई से ग्रेटर हो बट लेस देन थ्री पाई बाई टू हो तो इस केस में क्या होगा देख लो अगर ये ऐसे आ गया तो इस केस में क्या होगा इस केस में हमें अगेन ये जो हमारा साइन एक्स तो भी निगेटिव हो जाएगा एंड कॉस एक्स भी निगेटिव हो जाएगा अब चाहे कैसे भी रिवॉल्व करें चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे चाहे क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे ठीक है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो परपेंडिकुलर भी निगेटिव और बेस भी निगेटिव परपेंडिकुलर निगेटिव बोलने का मतलब एंड कॉस का मतलब तो रेसिप्रोकल तो क्या होता है सिक एक्स तो सिक एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा UH, अब टेन एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स देख लो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्यों बिकॉज टेनएक्स क्या होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स हमारा क्या है निगेटिव कॉस एक्सेटिव तो फिर ये पॉजिटिव और कॉट एक्स क्या हो जाएगा कॉर्ट ऑफ एक्स क्या होगा ये होता है ना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें क्या पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा टैन और कॉट पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर निगेटिव अब अगर ये रिवॉल्विंग रे फर्दर रिवॉल्व करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ ये रिवॉल्विंग रे फर्दर रिवॉल्व करके अगर ये आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेस पॉजिटिव मीन्स कॉस एक्स पॉजिटिव और ये परपेंडिकुलर निगेटिव मीन्स साइन एक्स निगेटिव किसी भी डायरेक्शन से रोटेट करे चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर बेस हमारा अगर ये एंगल हमारा फोर्थ तो क्वाड्रेंट में ठीक है तो बेस पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर निगेटिव बेस क्या होता है कॉस एक्स इसका मतलब अगर एक्स हमारा थ्री पाई बाई टू से ग्रेटर हो एंड लेस देन टू पाई हो डैट इज़ एक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारा साइन एक्स क्या होगा साइन एक्स निगेटिव होगा एंड कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो साइन एक्स निगेटिव हुआ तो इसका क्या मतलब है कि कॉसिक्स नेगेटिव होगा इसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा और कॉस एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो सेक् एक्स क्या हो जाएगा भी पॉजिटिव हो जाएगा और टेन एक्स क्या होता है साइन अपॉन कॉस तो साइन नेगेटिव कॉज पॉजिटिव तो ये भी निगेटिव हो जाएगा और कॉटेक्स क्या होता है कॉस अपॉन साइन अगेन नेगेटिव तो हमें क्या पता चला कि फोर्थ क्वारेंट में क्या होगा कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर निगेटिव तो ऐसे करके लिखते हैं ऑल साइन tan कॉस याद रखने के लिए अब इसको बच्चे कई तरह से याद करते हैं एड सुगर टू कॉफी तो मैं ये हमेशा बोलता हूं कि मैथमेटिक्स में जो हम लोग कोई राइम बना के याद करते हैं ना वो मीनिंगलेस होता है वो सिर्फ टेंथ क्लास तक ही काम करता है ठीक है उसके बाद क्या है कि राइम बना, बना के याद रखने से बेटर होगा कि तुम उसके कॉन्सेप्ट सीख लो टेंथ क्लास तक ना ये सब काम करता है जैसे बोलते हैं ना कुछ टेंथ क्लास में सिखाते हैं पंडित हदरी ये बद्री प्रसाद हर, हर बोले सोना चांदी तोले इस टाइप से कुछ सिखाते हैं कुछ राइम बना के अभी 11 ट्वेल्थ में मेरी बिल्कुल मीनिंगलेस है ठीक है रीजन क्या है कि अब यहां पे कंसेप्ट सीखोगे तो तुम्हें खुद ही आ जाएगा फिर याद रखने की जरूरत नहीं है कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो फिर सब कुछ में पंडित बद्री प्रसाद ही लगाना पड़ेगा इसको समझ जाओ तो यहां पे कुछ हम लोग याद नहीं रखेंगे हम लोग क्या याद रखेंगे कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव सेकंड में क्या होगा कि साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर निगेटिव थर्ड में टाइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर निगेटिव और फोर्थ में क्या होगा कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर निगेटिव ठीक है तो